सीकर के फतेहपुर में किसानों के धरने को लेकर दूसरे दिन भी सड़कों पर जाम लगा है। कर्ज माफी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर किसानों का धरना जारी है। फतेहपुर शेखावाटी में करीब 450 स्थानों पर किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है, जिसके चलते राहगीर परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सन्नाटा पसरा है। ट्रक चालकों का कहना है कि वे रास्ते में ही फंसे हैं। जिन ट्रकों में कच्चा माल है, उन्हें माल के खराब होने का डर सता रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय महापड़ाव जारी है स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांगों के लिए। लेकिन उसके कारण से जो लोग परेशान हैं, उनमें मुख्यतः वो ट्रक ड्राइवर परेशान हैं जिनके ट्रक में माल भरा है और उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उससे अलावा ज़्यादा समस्या उन ट्रक ड्राइवर्स के साथ है जिनके ट्रक में कच्चा माल भरा है और वो माल खराब होने की स्थिति में पहुँचने जा रहा है। शेखावाटी के लगभग सभी रास्ते इस समय जाम कर दिए गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। किसान समन्वयक समिति ने आज राजस्थान में चक्का जाम की घोषणा की थी, जिसका शेखावाटी में व्यापक असर देखने को मिला है। शेखावाटी में पूर्णतया चक्का जाम है, कई जगहों पर बंद भी है। झुंझुनू में हर तरफ जाम से आवागमन थम सा गया है। झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुर वाटी सहित कई क्षेत्रों में स्कूलों में भी छुट्टी है। वहीं हर तरफ चक्का जाम से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसका पूरे राजस्थान में कॉल है चक्का जाम का और जिलों के बंद का, उसके तहत झुंझुनू जिला भी आज पूर्णतः बंद है, पूर्णतः चक्का जाम है। स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों की बसें सुबह इसलिए आ रही थी क्योंकि हम कल लेट घोषणा कर पाए, उनको सूचित नहीं किया गया था। आज हम उनको वापस घर भेज रहे हैं और हमारा आंदोलन जिस गति से चल रहा है उससे दुगुनी गति से चलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा जुड़ गए हैं। जी सुजीत, क्या खबर है आपके पास? जी सुनील, आपको बता देना चाहता हूँ, किसानों के इस आंदोलन को लेकर पूरा झुंझुनू जिला कस्बा बंद है। झुंझुनू शांतिप्रिय तरीके से बंद है। झुंझुनू के अंदर मुख्य रूप से बाजारें भी नहीं खुले हैं और झुंझुनू जिला पूर्ण रूप से बंद है। चक्का जाम की क्या स्थिति है? क्या हाईवेज को भी बंद किया गया है? जी सुनील, आपको बता देना चाहता हूँ, हाईवे भी फिलहाल बंद है, चक्का जाम किया गया है। कहीं पर भी किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो इमरजेंसी वाहन है उनको सिर्फ जाने दिया जा रहा है। झुंझुनू के अंदर हाईवे, स्टेट हाईवे सभी को जाम कर दिया गया है। किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति जिसमें कि महापड़ाव या धरना या कोई प्रदर्शन तरह का कुछ ऐसा किया जा रहा है किसानों की तरफ से? जी सुनील, आपको बता देना चाहता हूँ, धरना तो झुंझुनू में पिछले कई दिनों से चल रहा था लेकिन महापड़ाव अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब किसानों का ये कहना है कि अब सरकार से उनकी वार्ता होगी, वार्ता के बाद वो डिसीजन लेंगे कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद सुजीत, आप ठीक इसी प्रकार बने रहिए खबर के साथ और लगातार हमें अपडेट करते रहिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से किसानों का महापड़ाव शेखावाटी क्षेत्र में जारी है और उसकी एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिससे कि उन्हें उचित समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।